मैं चार कटे हुए चीकू को एक ब्लेंडर में डाल देती हूँ। अब हम इसमें एक कप ठंडा दूध डाल देते हैं। चीकू शेक को और हेल्दी बनाने के लिए हम 1 टीस्पून हनी डाल देते हैं। आप इसके जगह 1 टीस्पून चीनी भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। अब हम अपने चीकू शेक को ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देते हैं। थोड़े से काजू के पीसेस, थोड़े से बादाम और थोड़ी सी किशमिश। ये देखिए हमारा यम्मी यम्मी चीकू शेक बनकर के तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को अपने अपने घरों में जरूर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए आप लोगों को, आपके बच्चों को ये चीकू शेक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। थैंक यू, हैप्पी कुकिंग।